नमस्कार मित्रों, आज हम गौर देश और गौर कायस्थों के बारे में जानेंगे। गौर नाम की एक जगह है बंगाल में, जिसपे कायस्थ राजाओं ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और उनके ही वंशज जो है गौर कायस्थ कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। जब पश्चिम से कायस्थों का स्थानांतरण होने लगा और वो देश में उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ बढ़े और सत्ता स्थापित की, तो उसी क्रम में एक पटनायक राजा ने उड़ीसा में अपना राज्य स्थापित किया, जिनका नाम पटनायक था। पटनायक और उनके ही वंशज जो है उड़ीसा में पटनायक कायस्थ के नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में कायस्थों ने गौर नाम की जगह पे अपना व्यवस्था बनाया और काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। तो ये गौर राजवंश जो है, जो गौर नाम की जगह थी वो गौर राजवंश के नाम से मशहूर हुई और काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। हालांकि गौर में काफ़ी बीमारियां आपदाएं भी आई हैं। गौर कई बार बसा है और उजड़ा है, ये तो इतिहास की बातें हैं। तो गौर देश की ये स्थिति थी। गौर देश का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार गौर देश की स्थिति बंग देश से भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा तक थी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तार किया है राजाओं ने अपना अपना। पद्म पुराण में गौर नरेश नरसिंह का नाम आया है। अभिलेखों में गौर देश का सर्वप्रथम उल्लेख 553 ईस्वी के हराहा अभिलेख में है, जिसमें ईश्वर वर्मन मौखरी की गौर देश पर विजय का उल्लेख है। वाय भट्ट ने गौर नरेश शशांक का वर्णन किया है। गौर नरेश शशांक, जिन्होंने हर्षवर्धन के बड़े भाई का वध किया था। मधाई नगर के ताम्रपट लेख से सूचित होता है कि गौर नरेश लक्ष्मण सेन का कलिंग तक प्रभुत्व था। गौर राजवंश के अंतिम राजा आदिसुर थे। कायस्थ राजवंश अपनी पहचान के लिए नाम के साथ गौर का उपयोग करते हैं, जैसे कि गौर मोहन घोष, जिनकी पुत्री रानी कात्यायनी का विवाह राजा श्री नारायण सिन्हा के साथ हुआ था और रानी कात्यायनी ने उनके भाई के पुत्र गौर हरिमोहन घोष को गोद लिया और उसके बाद उनका नामकरण महाराज प्रताप चंद्र सिन्हा हुआ और वो महाराज प्रताप चंद्र सिन्हा के नाम से जाने गए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो शेयर करते रहें कायस्थ भाइयों में, ताकि जानकारी बढ़े। नमस्कार।